एक सवाल है मेरे पास कि मेरी उम्र 28 साल है और मेरा अपना एक बच्चा है. मैंने रिसेंटली पूछा अपनी मदर से इफ़ आई हैड पोलियो ड्रॉप्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, शी कुड नॉट रिमेंबर. मतलब उन्होंने अपने पूछा अपनी मदर से कि अगर उनको पोलियो के कतरे पिलाए गए थे तो उनकी मदर को याद नहीं था. एम आई एट रिस्क? क्या मैं अभी रिस्क पे हूँ? क्या मुझे भी पोलियो के ड्रॉप्स या वैक्सीन लगवानी चाहिए एट माई एज? 28 साल की इनकी उम्र है. इन्होंने अपनी वालदा से पूछा, इनके अपने बच्चे, इन्होंने अपनी वालदा से पूछा कि क्या मुझे पोलियो के वैक्सीनेशन लगी थी या ड्रॉप्स लगे थे, तो उनकी वालदा को याद नहीं है. तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? उनकी उम्र 28 साल है जी. लेकिन जो आपने पहला सवाल किया था ना कि किस किस को हो सकता है, तो बच्चों में तो कॉमन है ही है, लेकिन इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनमें भी चांसेस होते हैं. जैसे HIV के पेशेंट हैं, इस तरह के पेशेंट हैं. अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि एडल्ट है और उसकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो उसको बहुत लीस्ट लाइकली चांसेस हैं कि उसको होगा, तो उसको तो ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो छोटे बच्चे या जो उनके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम या जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनको तो रिस्क होता नहीं. लेकिन है. ये जो 28 साल की उम्र के अंदर है, अगर ये जाके पी लें तो बेहतर है. हाँ, पी सकते हैं. ये तो हर जगह आजकल जब आप जा रहे होते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, तो वो तो इसीलिए करवाते हैं कि आप इसको आगे कैरी ना करें. अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मैंने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवा दिए थे, तो क्या मुझे डिफरेंट स्टेजेस के अंदर पोलियो के कतरे पिलवाने हैं? जैसे मेरे पास अभी एक सवाल आया है और मैं उसको एज इज़ जो है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड आई रियली वॉन्ट टू यू नो मेक श्योर कि मैं इसको ऐसे करूँ ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हों. उन्होंने कहा है कि जी मैंने अपने पहले बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स जो 2 महीने का है उसको 2 महीने के अंदर पिलाई देती है, उसके बाद मैं उनको कभी लेके नहीं गई. ही सीम्स फाइन माशाल्लाह, ही इज़ नाउ 5 years एंड गोइंग टू स्कूल. वो 5 साल के हैं और अब स्कूल जा रहे हैं. ठीक है जी, ले रहा हूँ मैं कॉल. बट शुड आई टेक हिम फॉर ड्रॉप्स अगैन? क्या मैं उनको दोबारा ड्रॉप पिलवाने लेके जाऊँ? हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू टेक हिम आफ्टर द एज ऑफ 5? वो 5 साल से बड़ी उम्र के हो चुके हैं. 2 महीने के जब वो थे तब उन्होंने कतरे पिलवाए थे, उसके बाद उन्होंने नहीं पिलवाए, और 5 साल के मतलब अब वो 5th grade के अंदर हैं, आई थिंक या 5th grade में ही हैं. तो अब वो ही सीम्स फाइन नाउ ही इज़ 5 years old. वो 5 साल के हो चुके हैं, तो क्या अब भी कतरे पिलवाने हैं? देखिए, इम्यूनाइजेशन जो है वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू WHO अंडर 5 years जो है, मतलब आपको बल्कि अब तो ये है कि रिसेंट के अंडर 2 years आपको इम्यूनाइजेशन कंप्लीट स्टेटस कंप्लीट कर लेना है बच्चों का. पोलियो ड्रॉप्स जो है वो अंडर 5 years ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, और उसमें ये कि आप जो रूटीन की EPI इम्यूनाइजेशन फॉलो कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है. उसके अलावा भी आप नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर आपके घर पर कोई आ रहा है पोलियो के कतरे पिलाने तो आप दे सकते हैं. ओके, ठीक है. तो उसमें कोई आप खुद भी लेके जा सकते हैं.